क्योंकि बाबा का यही मुख्य धारणा का रूप रहता था। बाबा जो भी कर्म हमें सिखलाना चाहते थे उसकी कथनी नहीं करते थे बाबा, लेकिन प्रैक्टिकल में बाबा करके दिखाते थे। और मुझे याद है जब हमने 7 दिन का कोर्स करना सीखा, बाबा ने हमको सेवा करना सिखाया, तो बाबा ने हमको ये एक बात नोट कराई। बाबा ने कहा सदा याद रखना कि कभी भी किसी को ज्ञान सामने से देने की बहुत जल्दबाजी नहीं करने की। एक तो पात्र देख के दान देना होता है, परंतु क्यों जल्दबाजी नहीं करने की, क्योंकि मित्र संबंधी जो होते हैं ना, वो हमारे ज्ञान को हम सामने से सुनाएंगे तो कोई तो सुन लेगा, लेकिन मेजोरिटी हमने देखा है कि उनके वो स्वीकार नहीं कर पाते हैं। क्यों स्वीकार नहीं कर पाते? क्योंकि जो भी सुनाने वाले हम बाबा के बच्चे हैं। जब हमारी जीवन अज्ञान की होती है तो हमारे कई गुण अवगुण, विशेष करके अवगुण, उनको नोटेड होते हैं, तो इसीलिए उनके वो ध्यान पर होते हैं। और यदि हमारे मुख से उसी ही बात की धारणा की बात निकली तो उनके मन में आता है कि इनके पास तो ये धारणा है नहीं, इनमें तो ये अवगुण है और हमको सुनाते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं कि पहले आप स्वयं धारण करो और धारण करने के बाद आप उनको ज्ञान सुनाओ, तो उसका एक प्रभाव पड़ता है, नहीं तो उसका प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये भी एक बाबा ने हमें प्रैक्टिकल कर्म करके फिर कैसे हम दूसरों को ज्ञान दें, कर्म करके कैसे हम दूसरों को सिखाएं, ये बाबा ने प्रैक्टिकल बताया। मैं बाबा का और एक प्रैक्टिकल मिसाल भी आपको बताती हूँ। एक बार ऐसा हुआ था कि मधुबन में पानी की तो खींचातानी आज भी कभी कभी बहुत होती है, परंतु तभी तो बहुत ही होती थी जब मैं पहली बार मधुबन में गई थी। तो अचानक भोली दादी, जो कि भंडारी थी यज्ञ की, वर्तमान वो नहीं है, एडवांस पार्टी में सेवा अर्थ पहुंच चुकी है, तो भोली दादी सुबह सुबह बाबा की मुरली चलने से पहले बाबा के पास आई। ड्रामा अनुसार मैं भी बाबा को गुड मॉर्निंग करने जाती थी तो मैं वहां पर हाजिर थी। तो वो आकर के खड़ी हो गई। बाबा ने कहा बच्ची क्या बात है? तो कहा कि बाबा आज घर में पानी बिल्कुल नहीं है। तो बिचारी संकोच कर रही थी, तो बाबा ने कहा अच्छा, बोला बाबा पीने का पानी भी अब थोड़ा सा ही बचा है। बाबा ने कहा कोई बात नहीं, बाबा तुम्हारा सारा पानी देखो कैसे चुटकी में भरवा देगा। और बाबा ने क्या किया, बाबा ने एक बर्तन वहां से अपने कमरे से उठाया और बाबा बर्तन लेकर के चल पड़े। अब बाबा चलने लगे तो जिनों जिनों ने देखा बाबा को बर्तन लेके जाते हुए, हर एक ने एक एक बर्तन कहीं कहीं से भी, खास करके किचन से जाकर के सभी लेके आए, छोटा बड़ा जो बर्तन हाथ में आया बाबा के पीछे पीछे चलने लगे। सब जाकर के पहुंचे, जो आप लोगों को पता होगा मधुबन का जो किचन, वहां का नीचे का जो गेट है जहाँ फोटोग्राफर रमेश भाई की ऑफिस है, वहां जो नीचे गेट जाता है, उस गेट से थोड़ा आगे जाते हैं तो वहां एक कुआ था। तो बाबा वहां पर गए, वहां जा करके वो पानी भरा और बाबा वो भरा हुआ पानी लेकर चलने लगे। पीछे बच्चों की लाइन लगी हुई थी, सभी ने अपने अपने बर्तन भरे और मधुबन के अंदर चुटकी में पानी का स्टॉक जमा करवा दिया। ये था बाबा का प्रैक्टिकल में करना। इसी प्रकार मैंने देखा है कि बाबा मम्मा दोनों ही अनाज भी साफ करने खुद बैठते थे,
क्योंकि बच्चों को ये भी सिखाना होता है कि यज्ञ में कर्मणा सेवा भी कितनी आवश्यक है। तो वो भी बाबा, एक बाजू बाबा बच्चों को लेके लाइन में बैठते थे, एक बाजू मम्मा सभी को लेकर लाइन में बैठती थी, और जैसे कि एक कंपटीशन लगती थी कि दोनों ग्रुप से कौन जल्दी अनाज को साफ करता है। इस प्रकार अनाज साफ करवाते थे। फिर एक बार ऐसा भी हुआ कि मधुबन में, वैसे तो मधुबन तभी बहुत छोटा था, 15-20 आ गए तो मधुबन फुल कहा जाता था, और अभी तो देखो हजारों की संख्या आ जाती है तब भी मधुबन अपनी जगह बढ़ाता जाता है, बढ़ाता जाता है। तो संख्या कुछ 20-25 के ऊपर आ गई, तो बाबा ने कहा कि चलो अभी टेंट खोलेंगे और टेंट में बच्चों को बिठाएंगे। तो टेंट में बच्चों को रखने के लिए टेंट खोले गए, तो टेंट में उनकी रस्सियां जो होती है मोटी मोटी, उनको खींचना पड़ता है। तो बाबा भी हम बच्चों के साथ साथ टेंट की रस्सियां खींचने के लिए चले, और बाबा ने रस्सी पकड़कर और शिव बाबा को याद करते हुए टेंट की रस्सी खींची और बच्चों को कहा खींचो, बाबा को याद करो, खींचो और जोर से खींचो, जोर से बाबा को याद करो। ऐसे बाबा की याद दिलाते गए और टेंट की रस्सियां हम सभी बच्चे खींचते चले गए। अब ये तो हुई सेवा की बात, परंतु सेवा के साथ साथ बाबा प्यार भी बेहद का उतना ही देते थे। अब उस टेंट के अंदर खटियाएं डाली गई, बच्चों को उसमें रखा गया, परंतु आपको पता है कि माउंट आबू में मौसम बड़ा चेंज होता है, तो कुछ बारिश के दिन नजदीक आ रहे थे, अचानक बारिश आई तो पूरा टेंट गीला हुआ, टेंट से पानी कुछ अंदर भी जाने लगा। तो जो बच्चे रात्रि को सोए थे वो सारे बच्चे जहां जहां टेंट में पानी पड़ रहा था वो उठकर खड़े हो गए, और अपने अपने जहां बिस्तरों पर पानी नहीं आ रहा था वहां योग करने बैठ गए। कहीं दो भी बैठे, कहीं सिंगल बैठे, तो सभी बैठ गए। अब यहाँ बाबा की नींद फिट गई, वैसे भी बाबा तो 2 बजे उठ ही जाते थे पूरे विश्व को सकाश देने के लिए, अपने बच्चों को भी सकाश देने के लिए, बच्चों को मदद करने के लिए। तो बाबा की नींद फिटी, बाबा सोचने लगे कि बच्चों की क्या हालत होगी, बच्चे टेंट में हैं। तो बाबा उठकर खड़े हो गए, और कुदरती मेरा रूम नजदीक होने के कारण मुझे ये पता चला कि बाबा कहीं उठ करके जा रहे हैं, तो मैं भी बाबा के साथ चल पड़ी और भी 2-4 बच्चे चल पड़े। तो वहां जाकर के बाबा टेंट के द्वार पर खड़े हो गए, मैं तो दृश्य देखकर स्तब्ध हो गई। बाबा ने भी देखा, बाबा 2 मिनट के लिए रुक गए, क्योंकि सारे बच्चे बाबा की याद में अपनी योगावस्था स्थिति में बैठे हुए बाबा को याद कर रहे थे। बाबा को इतना प्यार आया बच्चों के ऊपर, बाबा ने सभी बच्चों को कहा चलो बच्चे आ जाओ बाबा के पास। बाबा के कमरे में सभी बच्चों को बाबा ने बुला लिया, वो बच्चे आकर के बाबा के कमरे में बैठे। तो बाबा ने क्या किया, भोली दादी को बुलाया और बोला बच्चे देखो इतनी बारिश में उनको ठंड लग रही थी, बाबा को याद कर रहे थे, तुम इनके लिए गरम गरम हलवा बनाओ। और भोली दादी ने भी तुरंत जी हाँ करते हुए गरम गरम हलवा बनाया, और बाबा तब तक बच्चों को ज्ञान की मीठी मीठी लोरी सुनाने लगे। और फिर हलवा बन के आया तो बाबा के कमरे में ही सभी को हलवा दिया गया। बाबा बच्चों को हलवा खाते देख बच्चों के ऊपर इतना नैनों से प्यार बरसाते रहे, क्योंकि बच्चे बाबा की याद में कैसे बैठे थे।
तो ये बेहद बाबा का प्यार। ऐसे ही बाबा का माताओं के प्रति भी बहुत प्यार था। माताएं सभी सुनती हो ना, तो बाबा ने, मैं पार्टी लेकर जब पहली बार मधुबन में गई, जब घाटकोपर सेवा केंद्र खुला, वहाँ सेवाएं हुई, और सेवाएं होने के पश्चात ये आप दृश्य देख रहे हो, पहली बार मैं पार्टी लेकर बाबा के पास गई हूँ, बाबा के पास मैं खड़ी हूँ और बाबा के पास मेरी लौकिक माँ भी खड़ी है। तो हम जब बाबा के पास गए तो सबसे बड़ी पार्टी 60 या 70 की पार्टी थी, तो बाबा भी बड़े खुश थे कि मेरी नलनी बच्ची बहुत बड़ी पार्टी लेकर के आई है। तो पार्टी में हमारे एक माता ऐसी थी, तो हम जब ही बाबा से मिलने के लिए बैठे तो बाबा ने अचानक उन माताओं का परिचय लेने के पश्चात दृष्टि देने लगे। दृष्टि देते देते जब उस माता को दृष्टि दी तो बाबा उनके एकदम पैरों को पकड़ लिया। वो माता बिचारी अचानक बाबा की ये हरकत देखकर हैरान हो गई और वो एकदम कहे, बाबा नहीं नहीं, बाबा आप ये क्या कर रहे हो। बाबा ने कहा, नहीं बच्ची शांत हो जाओ, बच्ची तुमने बहुत बाबा की भगवान की भक्ति की है ना, बहुत धक्के खाए हैं तुमने भक्ति मार्ग में, कहाँ कहाँ तुम भटकी हो, इसीलिए अभी भगवान आए हैं तो तुम भक्तियों के पैर दबाने के लिए। तो इस प्रकार बाबा माताओं के पैर दबाते मैंने प्रैक्टिकल में नजरों से देखा। और फिर मधुबन में जो अपना हिस्ट्री हॉल है ना, तो हिस्ट्री हॉल के अंदर बाबा जब आते थे तो बाबा की चाखड़ियां खड़ाऊ, उनकी आवाज एक अपनी होती थी सुरीली, तो जब बाबा आते थे तो हम समझ जाते थे कि अब बाबा आए हैं। तो बाबा आकर के हॉल में दरवाजे के पास अपने हिस्ट्री हॉल, ये हिस्ट्री हॉल तभी बन रहा था, तो हिस्ट्री हॉल के पहले गेट के पास हम माताएं, वहां पर माताएं बहने कन्याएं बैठती थी, तो बाबा वहां पर आकर के खड़े हो गए और दूसरी तरफ भाई लोग बैठते थे। तो बाबा ने आकर के पहले दृष्टि दी माताओं को, फिर बाबा ने ऐसे हाथ जोड़ा और माताओं को वंदना की। सुनती है माताएं, नशा चढ़ता है, किसने वंदना की, स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा विश्व का मालिक और फिर विश्व रचयिता प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, जो हम ब्राह्मणों की माँ, तो बाबा ने उनके द्वारा हम माताओं कन्याओं बहनों को वंदे मातरम कहकर और उनको वंदना की। तो इस प्रकार बाबा की ये निर्माणता हृदय को एकदम छू गई, क्योंकि जो बड़े बड़े गुरु ऋषि मुनि, कईयों को, सभी नहीं होते ऐसे, परंतु कईयों को ये रहता है कि हमारे चरण छुए, चरण छूने वालों को ही आशीर्वाद देते थे, नहीं तो नाराज हो जाते। तो इस प्रकार बाबा के अंदर देखा। अब मैं कुछ मम्मा की बातें भी आपको सुनाऊं। अब हमारी मम्मा जो कि मातेश्वरी सरस्वती, वो मातेश्वरी सरस्वती की तो मैं क्या महिमा करूं। मेरा लौकिक जन्म तो भले हुआ, परंतु मेरा अलौकिक जन्म भी मम्मा के द्वारा हुआ। मैं प्रथम मम्मा से मिली, और जब मैं मम्मा से मिली तो सचमुच मैं कहूं तो मैं मम्मा के पीछे जैसे कि आकर्षण में इतनी आकर्षित हो गई कि फिर मैं मम्मा की मुरली सुनने, मम्मा तभी मुंबई में आई थी, रोज मुरली सुनाती थी, मैं कंटिन्यू मम्मा की मुरली सुनने जाती रही। क्योंकि मम्मा का जितना आंतरिक रूप सुंदर था, वो जो जगदम्बा थी, सरस्वती थी, श्री लक्ष्मी थी, श्री अम्बा, बहुचरा, वैष्णो देवी,
जो भी देवियां हैं उन सभी देवियों की, ये जो सेनानी माँ सरस्वती जगत अम्बा, तो उनका अंदर का स्वरूप तो था ही ऊंचे ते ऊंचा पूज्य, परंतु मम्मा का जो बाहर का रूप भी जो था वो भी कहते नहीं बनता। इतनी गोरी मम्मा, इतने सुंदर मम्मा के, मम्मा की आंखें, इतना चेहरे पर पवित्रता का तेज, इतनी सादगी, इतने मधुर मम्मा के बैना यानी वाणी, जैसे मधुर कोई वीणा बजती हो। मम्मा हंसती थी तो भी एक वीणा की झनकार बजती थी। तो ये मम्मा का चित्र जो मैंने अभी अभी 2 दिन पहले बनाया मम्मा की स्मृति में, तो मम्मा को देखते हुए मैं इतनी मम्मा के पीछे जैसे कि एक दीवानी हो गई। और मेरा जन्म हुआ, मैं 3 मास रेगुलर मम्मा की मुरली सुनी, और फिर मेरे हृदय में पिताजी के लिए यानी बाबा के लिए, ब्रह्मा बाबा जिसमें शिव बाबा ने, परमपिता परमात्मा ने प्रवेश किया, तो उनके लिए मेरे हृदय में बहुत भावना। वैसे भी भावना मेरी इस प्रकार की थी कि मैंने अपने दादा नाना नहीं देखे थे, तो मुझे दादा नाना को देखने की बहुत ही प्यास थी। प्यास का कारण एक यह भी था कि लौकिक माँ के पिताजी जो थे वो राज दरबार के राज ज्योतिष और राजगुरु होने के कारण लौकिक माँ के संस्कारों में बड़ी रॉयल्टी थी। उनके स्वभाव के अंदर सारी राजाई के लक्षण दिखते थे। उनकी बातें जो राजाई की सुनी तो मुझे आता था कि हमारा नसीब वो नहीं रहा कि हम नाना को देखें, दादा को देखें। तो हम मम्मा को जब मैंने देखा तो मुझे एकदम माँ को देखते हुए ऐसा प्यार आया। उससे भी बढ़कर जब मैंने बाबा को देखा तो मैं एकदम बाबा के पीछे जैसे कि आशुक माशुक होते हैं, मैं फिदा हो गई। और मैं बाबा से जब पहली बार देखा कि बाबा बूढ़े हैं, बहुत गोरे हैं, लंबे हैं, जैसे ही बाबा ने मुझे दृष्टि दी, मेरी वो जो प्यास थी वो एकदम अंदर से बाहर निकली और मैं कभी बाबा की गोद में पड़ गई और मैं रोने लगी, बाबा को मार के पूछने लगी कि आप मुझे छोड़कर कहाँ चले गए थे, आपने मुझे क्यों बुलाया नहीं। ऐसे करते मैं बोलती जाऊं, बाबा के सीने पर मुट्ठियों के बल से मारती जाऊं और रोती जाऊं, तो बाबा ने मुझे बहुत प्यार दिया। माथे पर पीठ पर हाथ फेरते हुए बाबा ने कहा, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, अभी तो बाबा ने बुला लिया ना मीठी बच्ची, आ गई ना बाबा के पास। फिर मैं शांत हुई। बस फिर तो क्या कहना, बाबा के बाबा का जो कमरा है मधुबन में, उस कमरे के बाजू में ही मेरे को कमरा मिला। एक सोफा रहता है बाबा के कमरे में, आप जानते हो। तभी मैं पहली बार मधुबन गई थी, मेरी उम्र 14 साल की थी। तो मैं, ये फोटो है पहली बार हम जब मधुबन गए हैं, पूरा परिवार भी है, पीछे 2 लौकिक भाई हैं और मम्मा हैं, उनके बाजू में मेरी लौकिक माँ विजया बहन, और इस बाजू छोटी बहन इंदिरा बहन, और मैं हूँ, हमारी लौकिक टीचर, अलौकिक टीचर, और एक कैलाश माता। इस प्रकार हम मधुबन में थे, तो वहां पर भी बाबा को मैंने जब देखा, तो मैं बाबा को देखने के बाद बाबा के कमरे के पास मुझे जो कमरा मिला, जहाँ बाबा की गद्दी बिछी हुई रहती है, एक सोफा है और सिंगल सोफा, और उसके बीच में एक दरवाजा है, तो वो दरवाजे के ऊपर अभी तो पर्दा लगा हुआ रहता है, तो वहाँ जो कमरा था वो कमरा मुझे मिला था। तो मैं घड़ी घड़ी पर्दा ऊंचा कर करके बाबा को देखती थी और बहुत खुश होती रहती थी। और बाबा ने भी मुझे परमिशन दी थी, बच्ची जब भी तुझे अंदर आना है
तू आ सकती है, बाबा को मिल सकती हो, क्योंकि मैं छोटी आयु की थी। तो इस प्रकार बाबा से मेरी पालना बहुत हुई, क्योंकि मैं छोटी आयु की और बाबा को दादा नाना के रूप में देखा। तो ये सारी बातें मैं बाबा को बताने लगी एक छोटे बच्चे की तरह। हर बात मुझे बाबा को बतानी होती थी, बाबा को हर बात सत्यता से सुना देती थी, चाहे मेरे जीवन में होने वाली घटनाएं, चाहे मुझे आने वाले विचार नकारात्मक हो या सकारात्मक। तो बाबा ने देखा ये बच्ची के अंदर जो बातें हैं वो बच्ची बाहर भी वैसे ही सुनाती है। तो बाबा मुझे कहते थे सचली कौड़ी। ठीक उसी प्रकार मैं जब भी बाबा के पास जाती थी, मैं एक फैशनेबल कन्या होने के कारण मैं बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहनती थी और सदैव बनी बन के ठन के रहती थी, और सदैव जब भी बाबा के पास जाती थी बहुत ही सज धज के, माना एक तैयार होकर के फैशनेबल रूप से ही हाजिर होती थी। तो बाबा मुझे कहते थे आओ जेंटलमैन, क्या करने आई हो, क्या कहने आई हो, आओ। तो मैं बाबा के पास जाती थी। तो इस प्रकार, और फिर हमारी लौकिक फैमिली को भी बाबा ने हैप्पी फैमिली नाम दिया। अब हैप्पी फैमिली क्यों कहा, क्योंकि मैं बाबा के पास फैमिली की भी बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाती थी। बाबा को मैं सामने से पूछती थी, बाबा मैं गीत गाऊं, मुझे गीत आते हैं। बाबा कहते थे गाओ, मैं कहती थी नहीं, मुझे भजन नहीं आते हैं, मुझे फिल्म के गीत आते हैं। बाबा कहते थे कोई हर्जा नहीं, पिक्चर के गीत गाओ, क्योंकि तभी तो फिल्म के गीत ही बजते थे। फिर उसके बाद बाबा को मैं कहती थी बाबा मुझे डांस भी आती है, तो बाबा कहते थे भले डांस भी दिखाओ बाबा को। फिर डांस भी दिखाते थे। फिर हमारी लौकिक फैमिली और एक दो और भाई बहनों को लेकर बाबा ने हमको कहा गुजराती गरबा करो। फिर हम लोगों ने बाबा को गुजराती गरबा दिखाया, रास डोंका रास बाबा ने कहा, फिर डोंका रास भी दिखाया। इस प्रकार बहुत हमारे हमारा जो बचपन है वो वंडरफुल रीति से व्यतीत हुआ। इस बचपन को आज भी मैं याद करती हूँ, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मेरी आंखें गीली हो जाती हैं, और बाबा की याद में तो मैं जब भी बैठूं, जब तक मोती की माला बाबा को नहीं चढ़ी मेरा योग सार्थक नहीं होता। इतनी मैंने बाबा से पालना ली, उतनी ही मैंने मम्मा से भी पालना ली, क्योंकि दोनों के प्यार में वो निर्भेद प्यार, निष्पक्ष प्यार, न देखते थे ज्ञानी अज्ञानी, न गरीब शाहूकार, बाबा और मम्मा दोनों के प्यार में बेहद का प्यार था, रूहानी प्यार था, नैनों से निहाल करने वाला प्यार था। और कभी भी बाबा मम्मा के पास जाते थे तो खाली हाथ हमें कभी भी नहीं भेजते थे। हमेशा आज भी आप देखते हो कि मधुबन में आज भी हमें सौगात मिलती है, और हम सभी सौगात लेकर के ही वापस लौटते हैं। तो बाबा हर बच्चे को सौगात देते थे। इस प्रकार मम्मा बाबा के पास बहुत हमने ज्ञान की भी पालना ली। जब भी जाओ बाबा मम्मा से हमें ज्ञानामृत के दो वचन सुनने को मिलते थे। कभी मुझे याद नहीं आता कि बाबा के या मम्मा के चेहरे पर उदासी हो, नाराजगी हो, गुस्सा हो या गुस्से की रेखा हो, कभी नहीं देखा। और कभी बाबा मम्मा को हमने ऐसे रूप में नहीं देखा जो हम ये कहें कि आज तो बाबा कुछ ठीक नजर नहीं आ रहे थे। मम्मा भी 2 बजे उठ के तपस्या करती थी, अपने में बल भरती थी, वाइब्रेशंस देती थी, और बाबा भी देते थे। फिर घाटकोपर सेंटर का उद्घाटन तीनों बाप ने किया, पारलौकिक पिता, साकार में अलौकिक ब्रह्मा बाबा, और साकार में काकू भाई लौकिक पिता, तीनों ने आकर उद्घाटन किया। और इस उद्घाटन के किए हुए सेंटर पर मुझे गर्व भी है, गौरव भी है,
क्योंकि एकमात्र सेंटर है जो पूरे विश्व के अंदर बाप दादा का प्रैक्टिकल उद्घाटन किया हुआ केंद्र है। तो ये जो फोटो दिखाया कार का, वो बाप दादा घाटकोपर सेंटर का उद्घाटन करने आए थे तब का है। फिर सारी दीदियां दादियां, कोई भी दादी दीदी मिस नहीं जो घाटकोपर सेवा केंद्र पर ना आई हो और ना रुकी हो। तो ये आपको दिखा रहे हैं। और हमारी जो इंचार्ज थी, ये भी हमारा बहुत अहो सौभाग्य था। बाबा के बाजू में खड़ी है ब्रिजेंद्रा दीदी, जो कि बाबा के लौकिक बेटे की पत्नी है और बहू है। तो वो हमारी निमित्त मुंबई के अंदर सायन सेवा केंद्र पर स्थित सेवा केंद्र की इंचार्ज थी, निमित्त थी। बाजू में काकू भाई लौकिक पिता भी खड़े हैं और इस तरफ मैं भी खड़ी हूँ। तो इस प्रकार बाबा मम्मा की हमें बहुत पालनाएं मिली। बातें तो इतनी सारी हैं कि मैं मास भर भी आपको सुनाती रहूं तो भी कम पड़े। तो इसीलिए अभी मेरे ख्याल से मेरा भी समय पूरा हो रहा है, आप भी समय समाप्ति के समीप पहुंच रहे हो। ये घाटकोपर सेवा केंद्र पर उद्घाटन के दिन पर लौकिक माँ ध्यान में जाती थी, विजय बहन, बाजू में बाबा बैठे हैं और भोग लग रहा है। फिर बाबा ने हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल का चित्र निकाल कर मुझे सर्वव्यापी बना दिया, मेरी पहचान बना दी, मेरा परिचय इन ब्राह्मण कुलभूषणों के बीच में परमानेंट स्थायी कर दिया। और ये कैलेंडर छपवा कर बाबा ने सभी केंद्रों पर, उस समय के सभी केंद्रों पर और सभी विद्यार्थियों को सौगात के रूप में शिवरात्रि के त्योहार पर दिया।